देखो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट फाइव कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फाइव। वैसे तो ज्यादातर थ्री कॉमन मल्टीपल पूछता है लेकिन यहाँ पे मैंने फाइव दे दिया तो आपको थ्री के जो मल्टीपल है वो आगे तक लिखना पड़ेंगे, फाइव के भी आगे तक लिखना पड़ेंगे। अगर तीन नंबर का क्वेश्चन है तब तो आपको लिखना ही पड़ेंगे, ठीक है, सभी कॉमन मल्टीपल लिखना पड़ेगा, सभी मल्टीपल लिखना पड़ेंगे। अगर मान लो कहीं आपको तीन नंबर का नहीं है, मान लो दो ही नंबर का या एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा गया तो आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा कि आपने डायरेक्ट कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले आपने मल्टीपल ऑफ थ्री लिखने, फिर आपने मल्टीपल ऑफ फाइव लिखने, फिर कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फाइव लिखने दे। फिर मैंने एक बात आपको और बता दी कि एलसीएम भी आपने लिखना था, एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा हो भाई आपने वो आपको लिख लेना था। देखो तो बोल रहा हूं थ्री के मल्टीपल थ्री, फिर आ जाएगा सिक्स, फिर आ जाएगा नाइन, फिर आ जाएगा मत बोलो पहला से बात 15, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा 27, फिर आ जाएगा 33, फिर आ जाएगा 36, फिर 39, फिर 42, ऐसे आगे तक चलता रहेगा। मैं 5 के लिए कहूँ भी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ऐसे आगे तक लिखना है, ठीक है। अभी रुक जाओ ऐसे, अब देखो कॉमन मल्टीपल, जब तक मैंने बोला कि पांच कॉमन मल्टीपल नहीं निकल जाते तब तक आप लिख लो। सबसे पहले कॉमन जो आपने चेक करना है बड़े नंबर से, बड़ा नंबर है पांच, क्या है यहाँ पे नहीं, टेन है यहाँ पे नहीं, फिफ्टीन है, यस फिफ्टीन है, फिफ्टीन ऐसे राउंड करो, फिफ्टीन ऐसे, फिफ्टीन ये यहाँ पे आ जाएगा, फिफ्टीन के बाद ट्वेंटी है नहीं है, ट्वेंटी फाइव है नहीं है, थर्टी है, थर्टी ऐसे राउंड करो ऐसे, और यहाँ पे थर्टी दो हो गए, आगे थर्टी फाइव है नहीं, 40 है नहीं, 45 है यस, तो यहां पे नेक्स्ट 45 भी आने वाला है, 45 और आगे सुनो सुनो आगे देखो, आगे जब आप लिखोगे तो यहां पे 60 भी आएगा आगे जैसे, और यहां पे 75 भी आएगा आगे जैसे, जब आपकी तीन तीन के डिफरेंस में आप लिखते जाओगे तो यहां पे आगे आएगा, ठीक है। और यहां पे 45 की जगह आगे जैसे 60 भी आएगा और 75 भी आएगा, तो 60 यहां पे 75 भी आएगा, तो आगे वाला होगा 60 कॉमन मल्टीपल और 75, और यहां पे लीस्ट हो जाएगा 50। अब सुनो कि डायरेक्ट जो आपको कैसे जाना है कि कॉमन मल्टीपल 5, सबसे पहला यहां पे है 15, दूसरा 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, अगले वाला क्या होगा, अगले वाला 90, यस कैसे पता चला, 15 का टेबल, इसमें पैटर्न है कि पैटर्न क्या है, पैटर्न जरा है कि टेबल है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि दो नंबर आपको अगर कॉमन मिल जाए तो आप उसका जो भी पैटर्न चला, जैसे मल्टीपल चला 15 के कुछ हो गया तो 90। अब आपको अगर एक नंबर में पूछा गया, दो नंबर में पूछा गया, तो आपको उसको पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर पूछा गया कि कॉमन मल्टीपल ही लिखो सिर्फ, तो आपको पता है 15 आ गया पहला कॉमन मल्टीपल, अगले वाला उसका मल्टीपल हो गया सारे आगे, ठीक है। तो चलो पता ऐसे ही आपको अगर 5 और 10 के पूछे जाए तो सिंपल है ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो बता सभी को फर्स्ट क्वेश्चन, यस सर। नेक्स्ट देखो, इस गेम में आपको दो तरीके बताता हूँ, इसमें एक तो तरीका है कि 1000 को जो आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो मैं कर रहा हूँ इसको देखो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको पता है कि जब 10 के मल्टीपल जैसे 100 है, 100 के मल्टीपल या जैसे 1000 है, 1 के बाद 0 है, 2 0 है, 3 0, 4 0 है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे लगा दो कितनी 0, 3 0, तो 10 52 और आगे कितनी है 30, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई साइड में कर सकते हो, ये आने वाला है। आपको पता है कि जैसे 45 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 से, तो 45 100 बन जाएगा, 10 52 और 0 यहाँ पे लगा दो तो वैसे ही आ गए 10 52 मल्टीप्लाई बाय 1000 10 52 1000। एक तरीका और था कि आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते थे, किसमें फ्रैक्शन, देखो यहां पे 10 52 है, अगर मैं इसको चेंज करूं पहले 1000 है, देखो पहले 1000 लिख दिया, 1000 मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई है 10 52 अपॉन में क्या होगा, 10 52 अपॉन फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल में है, फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं इसको, बोलो क्या होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो एक वन के बाद कितने जीरो लगेंगे नीचे, 2, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो बचे आप, एक जीरो चिपका दो, 10 5 2 0,
टेन फाइव टू जीरो टेन फाइव टू जीरो ठीक है। नेक्स्ट देखो दो जीरो चुप हो जा। नेक्स्ट देखो इसको ये भी बहुत सारे बच्चों का गलत है क्वेश्चन। इसको देखो 2.8 इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटा नंबर पहले लिखो या बड़ा नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्लस करो से 2.8 लिख दिया, याद है डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, फिर गाड़ी ये जो हुए इसके लेफ्ट साइड ऐसे वन मोर जो आगे है लिख दिया डेसिमल यहां से उठा के डेसिमल के नीचे लिख दिया, लास्ट में भी डेसिमल के नीचे डेसिमल लिया है। 2 4 2 यहां पे और यहां पे 6 3 6 यहां पे 3 यहां पे कुछ नहीं है तो 0 लगाओ 0 4 3 7 8 और 9 और 6 कितना होता है 15।